नीता नगरी इज ब्रॉट टू यू बाय पगार खाता। डाउनलोड द ऐप नाउ। कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता नेता नगरी का ये सेशन समर्पित है पंजाब की राजनीति को, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो बड़े शख्स, दो बड़े नाम जिनका पंजाब की राजनीति की जिनकी समझ है वो उसका मैं व्यक्तिगत तौर पर मुरीद हूं, और मुझे यकीन है कि इस बातचीत के आखिरी तक आप भी मुरीद हो जाएंगे। पहले मेहमान हमारे हैं सीनियर जर्नलिस्ट विपिन पब्बी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका विपिन पब्बी जी। इंडियन एक्सप्रेस के चंडीगढ़ एडिशन के एक दशक से ज्यादा वक्त तक रेजिडेंट एडिटर रहे हैं, तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ इसकी राजनीति नए पुराने प्लेयर मुद्दे इन सब पर पब्बी साहब की पकड़ बेजोड़ है। दूसरे हमारे मेहमान हैं इंडिया टुडे ग्रुप के डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर कमलेश सिंह, और भी अपने प्रिंट के अवतार में पब्बी साहब की तरह ही चंडीगढ़ बेस्ड रहे हैं और पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के एडिटर रहे हैं दैनिक भास्कर अखबार के, और तब से ही इनका भी दखल भी है और रुचि भी है पंजाब के अफेयर्स पर। हम इस बातचीत में कई मुद्दों को छूने की कोशिश करेंगे। फौरी तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस बगावत को झेल रहे हैं, जिसके फ्रंट में दो खिलाड़ी हैं फिलहाल, नवजोत सिंह सिद्धू लंबे समय से लगे हैं और अब प्रगट सिंह भी, कैसे इनको इनके हिसाब से धमकियां मिल रही हैं मुख्यमंत्री के करीबियों से, किस तरह से मंत्रियों का जमावड़ा हो रहा है, ये गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का क्या मामला है जिसने पहले अकाली दल को निचोड़ा और अब कांग्रेस को परेशान कर रहा है, बलराम जाखड़ के सुपुत्र सुनील जाखड़ का कैंप या उनकी हसरतें, प्रताप सिंह बाजवा जो कभी करीबी होते थे राहुल गांधी के, उनकी पॉलिटिक्स, कैप्टन अमरिंदर जो अगले ही बरस अगर सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से रहा तो फरवरी मार्च में चुनाव में दावेदारी कर रहे होंगे, और कई राजनीतिक टिप्पणीकारों को ये लगता था कि इस बार कैप्टन की राह कुछ आसान है क्योंकि अकाली भाजपा अलग अलग हैं, आम आदमी पार्टी अपने आप को नए सिरे से जुटा नहीं पाई, और ये जो पूरा फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें कांग्रेस के स्टैंड को लेकर भी फायदा मिलेगा। इन सब चीजों पर बात करेंगे। विपिन पब्बी जी, मेरा पहला सवाल तो यही है कि कैप्टन अमरिंदर और कांग्रेस आला कमान इनके रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि जो बाकी मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, चाहे वो भूपेश बघेल हों चाहे अशोक गहलोत हों, वो कोई मौका नहीं छोड़ते गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी का सार्वजनिक प्रदर्शन करने में। जी, एक्चुअली कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले 25 सालों से पंजाब की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में सबसे बड़े लीडर हैं, और 2002 में चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद दोबारा जब पिछले इलेक्शन में बने, तो इनका जो पिछले इलेक्शन में भी था जो इनका एटीट्यूड था वो ये था कि ये अपने आप इंडिपेंडेंटली चल रहे थे, ये बहुत ज्यादा कांग्रेस हाईकमांड पर डिपेंड नहीं करते। हालांकि ये जो राजीव गांधी हैं उनके स्कूल से थे और उनके साथी थे, उनके घर भी आना जाना था, बल्कि जब राजीव गांधी की मैरिज हुई तो इनके घर में पहले वो आए थे पटियाला में, तो इनके पारिवारिक संबंध तो डेफिनेटली उनके साथ काफी थे और इसलिए इनकी लॉयल्टीज बड़ी स्ट्रांग हैं उनके साथ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी था कि उन्होंने अपना जो अपना एक जो इमेज है वो बड़ी स्ट्रांग इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है पंजाब में, और वो ये जानते हैं कि पंजाब में ऐसा कोई और लीडर नहीं था जो उनके बराबरी में उसके इमेज तक, उस स्टेटस तक पहुंच, और इस वजह से उन्होंने पिछली बार भी असर्ट किया जब पिछले इलेक्शंस हुए हैं जिसके अंदर ये जीत कर आए थे कि उन्होंने इन पर बड़ा दबाव था हाईकमांड का कि आप ये वाले कैंडिडेट्स रखिए या उनको रखिए, लेकिन इन्होंने अपना स्टैंड रखा। इन्होंने एक दो बारी इनडायरेक्टली भी थी कि मैं जानता हूँ कि मैं किसको रख रहा हूँ, और उन्होंने जो कैंपेन था उसमें भी राहुल गांधी बहुत ही शायद 2-3 बारी आए होंगे, ज्यादा नहीं, उनका कोई रोल नहीं रहा कांग्रेस हाईकमांड का, जनरली इनका अपना वन मैन शो, तो वो शो जो है वो इस बारी भी उसको कैरी ऑन करना चाहते हैं। ओके, तो इस बारी फिर ये हो रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि इनका जो रिलेशनशिप है हाईकमांड के साथ सिर्फ वही रिलेशन है कि वो बहुत ज्यादा केयर नहीं करते, हालांकि उन्होंने कभी बगावत की बात नहीं की है मतलब इस बारी कि कांग्रेस की जो मैं बात नहीं मानूंगा या कुछ है, लेकिन वो अपनी मनमानी डेफिनेटली काफी कर रहे हैं, और कांग्रेस हाईकमांड का जैसे फॉर इंस्टेंस उन पर प्रेशर था कि नवजोत सिद्धू को रीसेटल करो, या तो उसको
वापस अच्छे पद पर लो। अच्छे पद का मतलब था कि या तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाओ, जो कि वो बनना चाहते थे, और या कि उसको कांग्रेस का उनको चीफ बनाया जाए। इन दोनों चीजों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना ये, उसके अलावा अगर कोई मंत्री वो बनना चाहते हैं तो मैं बनाने को तैयार हूं, पर ना वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे ना वो प्रदेश कांग्रेस के हेड बन। कमलेश सिंह जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। मुझे याद है 2012 में जब पंजाब का चुनाव था, आप लुधियाना में थे और मैं भी कुछ रोज के लिए कवर करने आया था, और कांग्रेस ने अपने कैंपेन के शुरुआती दौर में कैप्टन को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था। फिर बाद में राहुल गांधी आए, उन्होंने एक रैली में डिक्लेयर किया था 2017 के मुकाबले, और ज्यादातर पोल पंडितों को लग रहा था कि 2012 में ही कांग्रेस की वापसी होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए थे। इसके बावजूद कैप्टन की पॉलिटिक्स और कैप्टन का रसूख बाकी लोग उससे पार नहीं पा पाए, चाहे वो नई पौध के नेता हो, रिलेटिवली नई पौध के मनीष तिवारी, या बहुत बाद की बात करें तो रवनीत बिट्टू जैसे नेता हो, या उनके और सीनियर में राजेंद्र कौर भट्टल वगैरह की बात करें वो हो, या उनके समकालीन में भी बात करें, वो क्या फैक्टर है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को इतने लंबे वक्त तक रेलेवेंट बनाए हुए है, और जो कांग्रेस में एक सबसे दुर्लभ चीज है, वोट कैचिंग एबिलिटी अभी भी उनके अंदर है? देखिए, जब से अकाली दल छोड़कर अमरिंदर सिंह आए कांग्रेस में, उनका दबदबा तुरंत ही बढ़ गया। वो मतलब सीधे समझिए एक तरह से कि स्टेट के कांग्रेस के सबसे कद्दावर बन गए। उसका कारण ये भी है, राजघराने से हैं, आर्मी में थे, ये सब भी फैक्टर प्ले करता है पंजाब में। और दूसरी बात है कि वो सबको, कांग्रेस बहुत एक तरह से धड़े वाला था उस टाइम में, उस समय ये एक ऐसे नेता बनकर उभरे जो कांग्रेस को साथ लेकर चल सकता था। और दूसरी बात है कि इनकी फॉलोइंग अच्छी खासी बन गई 2012 में जब हम लोग थे उस समय। हाँ, ये सच है कि उनको नेता डिक्लेयर नहीं किया गया और उसके कारण वो 2012 में सरकार नहीं बना पाए। पर 2017 में जब उन्होंने सरकार बनाई तो ये स्पष्ट था कि ये कैप्टन की बदौलत हुआ है, मतलब पूरे हक के साथ उन्होंने उसको उठाया। नेता तो है, प्रताप सिंह है, भाजपा रवनीत बिट्टू नए नेता हैं, पर इसमें पूरे इस मामले में जो कांग्रेस के केंद्रीय कांग्रेस का जो केंद्रीय की जो केंद्रीय सत्ता है उसमें जो एक विभाजन है वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अमरिंदर सिंह उस पीढ़ी के नेता हैं जो शायद राहुल गांधी को स्वीकार तो करेंगे ही, है ना, पर उस तरह की स्वीकार्यता नहीं होगी राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी को उन्होंने ये जो पारिवारिक बात कही विपिन जी ने, उसको ध्यान में रखना कि राहुल राजीव गांधी से उनके पारिवारिक संबंध थे, सोनिया गांधी उनके घर जाती थी, तो राहुल गांधी तो उनके सामने बहुत छोटा बच्चा था। बाकी लोगों को बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया जिन्होंने राहुल गांधी को, जो राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करते कांग्रेस में, ऐसे सारे लोग धीरे धीरे किनारे भी हो गए, है ना। उसमें एक अमरिंदर सिंह है जो कि अपने बल पर वहां पर उन्होंने कांग्रेस को वापस सत्ता में लाया है। उनको और नवजोत सिंह सिद्धू को, बाय द वे, राहुल गांधी के ही वरदहस्त से उनको जो भी जगह मिली है वहां पे, नहीं तो अमरिंदर सिंह हालांकि बीच बीच में बोलते रहते हैं बहुत प्यार से, वो तो मेरा अपना बच्चा है ये वो, पर हकीकत यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू उनको फूटी आंख नहीं सुहाते। और दूसरी बात यह कि नवजोत सिंह सिद्धू खुद इतने बड़े नेता नहीं है जितना वो बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक आदमी जो बोलने में और जो लाइमलाइट में रहता हो, जो तरह तरह के शेर पढ़ सकता हो मंच पे, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा कर सकता हो, आवश्यक नहीं है कि वह अमरिंदर सिंह का मुकाबला करे। चाहे प्रगट सिंह को मैं, मतलब क्या बताएं, प्रगट सिंह और उनके मिल जाने से भी कुछ नहीं होता। कोई वो चरणजीत चन्नी है, ऐसे दो चार और भी लोग हैं जो आगे पीछे अभी मिलन मीटिंग वीटिंग कर रहे हैं, पर हकीकत यह है कि केंद्र में, कांग्रेस के केंद्र में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो ही शायद कुछ हो जाए, और कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है, ये भी एक हकीकत है। पर अभी तो मुझे नहीं लगता कि नवजोत सिंह सिद्धू के पास अब कोई चारा भी बचेगा कि वो कांग्रेस में रह सके अगले चुनाव तक, मतलब अगला चुनाव तो अगले साल है। विपिन जी, क्या है ये नवजोत सिंह सिद्धू फैक्टर? मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, मैं यूनिवर्सिटी में था उन दिनों की वो सीरीज चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और कमेंट्री के दौरान ही उन्हें बधाई मिल रही है कि साहब ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2004 में, वो अमृतसर आते हैं लेटरल एंट्री, और उसी अमृतसर से फिर दूसरा कनेक्शन जुड़ता है 2014 में
जब एक और लेटरल एंट्री यहां से भेजी जाती है अरुण जेटली की, और वो तो बड़ा चर्चित किस्सा है कि कैसे सोनिया गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह को फोन करके कहती है कि आपको अमृतसर में चुनाव लड़ना है, और वो सबसे चर्चित चुनाव में से एक हो जाता है। और नवजोत सिंह सिद्धू उसके बाद किस तरह से राज्यसभा में भेजे जाते हैं, लेकिन वो एंटी जेटली उनका वाद बरकरार रहता है, कांग्रेस में आते हैं। क्या है सियासी हलकों में, किस योजना के तहत वो कांग्रेस में आए थे, किसके कांटेक्ट में रहकर आए थे? बड़ी खिल्ली भी उड़ी थी, उनकी मीम भी बने थे कि जिन शेर शायरी को वो पढ़ते थे भाजपा की तारीफ के लिए, वही उन्होंने दे मारे थे सोनिया गांधी की तारीफ में, है ना। तो नवजोत सिद्धू की कांग्रेस में प्लेसिंग क्या थी, और अभी उनके सामने क्या ऑप्शंस हैं, और ओवरऑल उनकी पॉलिटिक्स क्या है? जैसे कमलेश जी ने कहा कि भाई भीड़ जुटाना वो सब एक चीज है, लेकिन क्या आप एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स, बड़ा पॉलिटिकल ऑप्शन बन सकते हैं जिसके इर्द गिर्द लोग रैली करें? मैं कमलेश जी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि वो जो है शो में, शोबाजी में ज्यादा है, बोलने में तेज है, ट्विटर पर भी तेज है, लेकिन असली राजनीति की बात आती है, जो ग्रास रूट राजनीति है, उसके लिए वो अभी तक ना तो वो कटआउट है और ना अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है। मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ कि जब से वो 1.5-2 साल से निकले हुए हैं मंत्री जो परिषद से, कैबिनेट से, तो 2 साल में वो कुछ उन्होंने किया नहीं, उसको कोई यूटिलाइज नहीं किया वो टाइम को कि मैं अपनी ग्रास रूट लेवल पे पॉपुलरिटी बढ़ाऊं या मैं और नेताओं से मिलूं या बातचीत करूं। वो एक एकून में चले गए अलग से, उन्होंने किसी से कोई बातचीत नहीं की, और अभी भी जो है वो इक्का दुक्का मंत्रियों से जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और प्रताप बाजवा है उनमें और एक और है उनसे कर रहे हैं, लेकिन आम तौर पे आम लोगों के साथ जुड़ नहीं रहे हैं। वो पिछले 2 सालों से उन्होंने कोई कोशिश नहीं की एक्सेप्ट थ्रू ट्विटर, अब ट्विटर पर तेज रहते हैं वो, लेकिन जहां तक पर्सनल जो उनके रिलेशनशिप्स हैं, या कि हर टाउन में शहर में उनका कुछ ना कुछ यूनिट्स हो, कुछ उनके सपोर्टर्स हो, वैसा नहीं। वो बोलने में बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा भाषण भी देते हैं, और आपने ये बात की कि वो कांग्रेस में आए कैसे और किन सर्कमस्टांसेस में और वो क्या क्लेम करना चाहते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं ब्रीफ में उसको रिकॉल करना चाहता हूँ कि वो मालूम है कि बीजेपी का जैसे बहुत गुणगान करते थे, उनके स्टार कैंपेनर भी थे, और वो चाहते थे कि उनको पंजाब में भेजा जाए बीजेपी को, बीजेपी के, और उनको वहां पर लीडर बनाया जाए और घोषित भी किया जाए कि वो सीएम या डेप्टी सीएम पोस्ट के लिए फेस है, जो कि बीजेपी ने मना कर दिया, क्योंकि बीजेपी का तो अपना है रहता है कि अपने आरएसएस के लोगों या उनका अकाली के साथ था, वो बादल को कैसे कह सकते थे कि हम उनके साथ नहीं। तो उन्होंने जब बीजेपी से खफा हो गए तो उन्होंने रास्ता और ढूंढना शुरू किया। ये बड़ी आम बात है, कमलेश जी भी जानते होंगे, कि उन्होंने पहले कोशिश की कि आम आदमी पार्टी में चले जाऊं, और वो अरविंद केजरीवाल से मिले, अरविंद केजरीवाल को कहा कि अच्छा आप हमें क्या देंगे, ये उनका अपना ज्ञान है कि मैंने केजरीवाल को कहा कि आप हमें क्या देंगे, मुझे क्या देंगे, तो केजरीवाल ने कोई एश्योरेंस नहीं, उसने ये नहीं कहा कि आप हमारे सीएम फेस होंगे, क्योंकि हो सकता है केजरीवाल खुद भी चाहते हैं उस टाइम, और उस टाइम आम आदमी पार्टी बड़ी स्ट्रांग थी। अगर ये वाकई आम आदमी पार्टी में आ जाते तो ये बड़ा चैलेंज दे देते और भी कांग्रेस को उस टाइम, लेकिन क्योंकि वहां से भी इनको कुछ नहीं मिला आम आदमी पार्टी से, तो इन्होंने कहा कि थर्ड ऑप्शन कोई बचा ही नहीं था तो वो कांग्रेस, तो वहां आ गए उधर मिलकर, दिल्ली में भी उनके सीनियर लीडर से मिलकर यहाँ आ गए, और यहाँ आकर भी उन्होंने ये कहा कि मेरे को अच्छे पद वगैरह मिलने चाहिए, उस टाइम तो खैर को नहीं दिए गए, लेकिन इनका हमेशा ये रहा कि या तो मुझे डेप्टी सीएम बनाइए और या मुझे कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब का बनाइए। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने प्रॉब्लम ये कि उनके सामने 7-8 और भी लीडर्स हैं जो बड़े पुराने कांग्रेस के लीडर्स हैं, तो वो उनको कैसे नजरअंदाज करके ऐसे किसी को अपना डेप्टी बना लें जो अभी कुछ साल पहले ही पार्टी में आए। तो ये जो उनका अभी हालत जो इस टाइम सिद्धू की है कि वो ना तो अकाली को ज्वाइन कर सकते हैं, ना वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, कांग्रेस में हालत उनकी खराब हुई है, आम आदमी पार्टी से भी वो अपने ब्रिजेस बड़ी को दिला आए हैं। सो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कोशिश करें अपनी रीजनल पार्टी बनाने, लेकिन उसके लिए उनको सपोर्ट की जरूरत है, उनकी अपनी सपोर्ट तो अभी तक टीवी स्क्रीन पर या ट्विटर पर ही ज्यादा है, ग्रास रूट लेवल के साथ नहीं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, मैं आप दोनों लोगों का इस पे चाहूंगा कमेंट, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आम आदमी पार्टी में वो वापस चले जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी उतनी ऑर्गेनाइज और तैयार दिख नहीं रही है पंजाब चुनाव के लिए जैसा पिछली दफा मोमेंटम था उनका? मेरा ये ख्याल है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा सा ओपन होगी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पिछली बार भी थी आम आदमी पार्टी की पंजाब में,
वो उनकी लीडरशिप थी। लीडरशिप कोई मतलब फेस ऐसा नहीं था जिसको वो प्रोजेक्ट कर सके अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर। अगर पिछली बारी वो बड़ा स्ट्रांगली कर लेते तो बहुत नजदीक थे, वो ज्यादा मतलब कोशिश करके कर सकते थे, उनके ग्रास रूट सपोर्ट काफी स्ट्रांग थी। अभी भी उनके साथ मेजर प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई क्रेडिबल चीफ मिनिस्टरियल फेस नहीं है। तो अगर वो इस तरह की पार्ट चीज के लिए एग्री कर जाते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का खुद का है कि वो बाहर एक्सपेंड करें और पंजाब जो फर्स्ट स्टेप है उनके लिए भी बाहर आने के लिए, तो एक तो उनकी खुद पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, दूसरा ये कि शायद और लोग भी अब उनको उतना ज्यादा सपोर्ट ना करें, और तीसरी चीज ये कि आम आदमी पार्टी का अपना जो खुद ही सपोर्ट सिस्टम था सारा, जहाँ उन्होंने बिल्डअप किया था, वार्ड वाइज किया था, वो सारा तहस नहस हुआ पड़ा इसमें, तो वो खुद भी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। और सिर्फ एक सिद्धू के आने से उनके बहुत ज्यादा परिणाम आने वाले परिणामों में चेंज मेरे को नहीं लगता कि हो सके। आपका क्या कहना है कमलेश? पर सिद्धू ने जो मुद्दा चुना है ना इस बार, उससे मुझे हिंट लगता है कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ ही जाना चाहते हैं, क्योंकि वो बीजेपी की तरफ जाने का कोई मतलब नहीं है अभी, मतलब अगला इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत कठिन होने वाला है वहां पर, और वो अकाली दल में जा नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी से उनका झगड़ा इसी बात पे हुआ था कि वो सुखबीर सिंह बादल, विक्रम मजीठिया, इन लोगों के खिलाफ बहुत ही सहयोगी दल होने के बावजूद बहुत तरह के बयान देते रहते थे, जैसा अभी अमरिंदर सिंह के खिलाफ कर रहे हैं, वो उसी पार्टी में है और बयान देते रहते हैं। पर उन्होंने एक हार्डलाइन सिख इशू को आइडेंटिफाई किया है, और वो आम आदमी पार्टी भी उसी हार्डलाइन सिख वोटर्स को एम कर रही है, पिछले बार भी उन्होंने किया था। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी कोशिश ये होगी कि शायद मैं चुकी, देखिए जो पबी जी ने बात की ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये कि इन्होंने पिछले दिनों में कुछ भी नहीं किया है अपना सपोर्ट बेस बढ़ाने के लिए। इनका सपोर्ट बहुत, बाय द वे पटियाला के हैं, पटियाला में कोई बेस नहीं है, अमृतसर में चूंकि दोनों पति पत्नी बहुत दिनों तक वहां पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते रहे तो थोड़ा मोटा सपोर्ट बेस है, पर आप जानते हैं कि वो उनका सपोर्ट बेस शायद नहीं हो, पार्टी का हो, पहले बीजेपी का था, अभी कांग्रेस का हो। मुद्दा इनके सामने ये है कि इन्होंने एक बहुत ही इमोशनल, जो कि सिखों को उद्वेलित कर सकता है ऐसे सब्जेक्ट को, और उसमें कांग्रेस का आप जानते हैं एक इतिहास रहा है जिसको कि पंजाब में ही भुला दिया गया है, और कांग्रेस को मतलब माफ कर दिया गया एक तरह से पार्टी के रूप में। कमलेश जी, आप वो उस घटना का भी थोड़ा जिक्र कर दें, क्योंकि कई दर्शकों को उस बेअदबी मामले के बारे में पता नहीं होगा। हाँ, तो ये जो एक्चुअली एक नहीं हुई थी घटना, मतलब फायरिंग हुई थी एक, जिसमें एक लोग मारे गए थे, कोट कपूरा जगह थी ना वो, विपिन जी को याद होगा सर, कोट कपूरा में फायरिंग हुई थी ना सर, तो वो कपूर में, हाँ जी हाँ, हाँ, फायरिंग वहां पे हुई। ये दो तीन रिलेटेड इंसिडेंट्स थे सेकंडलीज के इकट्ठे, बल्कि दो तीन महीनों में इतने सारे इंसिडेंट हो गए थे, तीन चार जगह से, बहुत जगहों पे हो गए थे। इनफैक्ट दोआब में इस तरफ भी हो गए थे, उधर फरीदकोट में, आदमपुर में, कहां कहां, तो दो चार जगहों पे, चार क्या मतलब 10-12 जगहों पे ऐसी घटनाएं हो गई थी कि पन्ने जो है गुरु ग्रंथ साहब के कहीं पे फटे मिले, कहीं पे जले मिले, कहीं किसी मैदान में मिल गया, और फिर उसमें दो तीन तरह की चीजें आई, मतलब उसमें यह भी स्पष्ट नहीं था कि किसने किया है, हालांकि प्रोटेस्ट बहुत हो गए थे, एक प्रोटेस्ट पे फायरिंग हो गई और उसमें जो है बादल्स वर ब्लेम कि भाई आपने जो है हम पे फायरिंग कर दी, जबकि हम एक गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी बेहुरमती के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन वो मुद्दा सेटल नहीं हुआ, वो कोर्ट में गया, कोर्ट में शायद लास्ट जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि प्रकाश सिंह बादल को उसमें क्लीन चिट टाइप की दे दी गई है कि भाई इनकी कोई गलती नहीं है, मैं अगर गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद से इसने इसको मुद्दा बना लिया है कि अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करने में फेल हो गई और ये मामला अभी सेटल नहीं हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला सेटल नहीं हुआ है, दोषियों को सजा नहीं मिली है, जिन्होंने फायरिंग करवाई उनका कुछ नहीं हुआ, इसी विषय को लेकर वह अभी तरह तरह की तीर के तीर चला रहे हैं। और आम आदमी पार्टी, जैसा कि विपिन सर ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था एक हिसाब से पिछले चुनाव में, पर उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने भी शायद ग्राउंड पे उतना काम नहीं किया, और उनका जो लोकल नेटवर्क होता है वो इधर उधर बिखर गया है या अभी संगठित नहीं है। शायद सिद्धू को वो स्वीकार लें
और सिद्धू इस मामले में ठीक ठाक है कि वो कहीं पे भी जाके एक लोगों में एक उत्साह ला सकते हैं, एक सेंस ऑफ पर्पस ला सकते हैं कि हमको कुछ करना है। दूसरी बात यह है कि मैं यहीं पे मतलब जोड़ दूं, और मैं विपिन जी का उसमें चाहूंगा उनका विचार, कि कांग्रेस जहां पर भी अभी है वहां पर एक मजबूत नेता की बदौलत है, और एक नेता के पीछे उनकी उनका बहुत ही क्लियर है कि ये हमारा नेता है और वो नेता वहां मजबूत है। जहां पर भी कांग्रेस का एक लोकल लीडरशिप मजबूत नहीं है वहां कांग्रेस साफ हो गई है। तो कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर सकती है अगर राहुल गांधी के पक्ष के लोग अमरिंदर को कमजोर करना चाहें, क्योंकि उनके जैसा अभी भी, मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो एकमात्र लीडर है, पर उनकी बराबरी का कोई भी नहीं है अभी, या तो बहुत यंग है। सहमत हूं इस चीज से। जी, बोले। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता था यहाँ पर कि वो जो आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कमलेश जी कि जो अभी जो समीकरण बना हुआ उसके अंदर अमरिंदर ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेता है, हेड्स अबव अदर्स, तो उनका जो अगर उनको कमजोर करने की कोशिश की गई और खासतौर पर अगर हाईकमान ने बीच में कोशिश की तो इसके नतीजे कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि अभी उनमें जो एक तो ये लीडर है लेकिन उसके आगे पांच छह ऐसे हैं और सबकी एम्बिशंस हैं। और खासतौर पर एक चीज और मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ कि पिछले इलेक्शन में अमरिंदर सिंह ने कहा था कि मैं मेरे लास्ट इलेक्शन है, मैं उसके बाद नहीं लड़ूंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना बयान चेंज कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे एम्बिशियस लोग हैं कांग्रेस में जो कि पॉलिटिकल एम्बिशन होते भी है, तो वो बहुत ज्यादा सोचते थे कि हमारा नेक्स्ट चांस है, लेकिन अब इन्होंने कहा कि नहीं मैं लड़ूंगा इलेक्शन, तो वो टल गई है चीज। जो चेंज ऑफ लीडरशिप है, जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी हैं यहाँ पे तो वो लीडरशिप का क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं कि चेंज ऑफ लीडरशिप के बारे में, और अगर वो उसको कहते हैं कि नहीं इसके बाद मैं स्टेप डाउन करता हूँ फिर ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अगर इस बार भी अगर वो जीतेंगे कांग्रेस तो उनके बलबूते पर जीतेंगे। क्योंकि एक पॉइंट में और इसमें लाना चाहता हूँ कि खास अगर ब्रॉडली ओवरव्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है अगेंस्ट अमरिंदर सिंह, है नाराजगी है कुछ लोगों की, वो ज्यादा जाते हुए नहीं है बाहर, इतना नहीं मिलते हैं, लेकिन तो बहुत ऐसी चीज उनके खिलाफ एक्सेप्ट ये जो बेअदबी वाला मामला है इसके अलावा कोई बहुत बड़ी चीजों के खिलाफ नहीं जाती। और जो बाकी पार्टीज हैं उनका तो हालत अभी ज्यादा अच्छी है ही नहीं, तो उस हालत में अभी तो ये एडवांटेजेस पोजीशन पर हैं मेरे ख्याल से कांग्रेस वाले। और अगर ये आपस की अगर कलह में अगर कोई पार्टी हाई कमांड या कुछ और लीडर्स आपस में मिल जाते हैं फिर इनके लिए अपनी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कांग्रेस वर्सेज कांग्रेस ही होगा लगता है अगले इलेक्शन में। हाँ, और इस बार हाईकमांड बहुत मिक्स सिग्नल भेज रहा है, कोई यहाँ से अभी तक कोई स्ट्रांग मैसेज सिद्धू को नहीं जा रहा या अमरिंदर को भी नहीं जा रहा कि आप इसको दबाएं, या सिद्धू को ये कि आप ऐसा ना करें। इस तरह की जो मीटिंगें यहाँ वहां चल रही हैं चंडीगढ़ में और अमृतसर में और लुधियाना में, ये नहीं चलनी चाहिए। बल्कि आप लोग जो बोल रहे हैं उसी कंटिन्यूटी में हरीश रावत जो पार्टी के इंचार्ज हैं संगठन के स्तर पर, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका दखल समझ में नहीं आ रहा क्या है। प्रियंका गांधी अलग चिट्ठी लिख रही है कि इसको सेटल करिए, फिर खबर आती है कि राहुल गांधी जल्द ही विधायकों से मिलेंगे, तो इस तरह की चीजें आ रही। प्रताप सिंह बाजवा जो पहले कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम 45 दिन का समय दे रहे हैं, उसके बाद वो भी आजाद हैं, कैप्टन हम भी आजाद हैं, तो इस तरह की सब बातें हो रही है, इस पर हम आएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये प्रगट सिंह बनाम संदीप सिंधु का क्या मामला है, कि प्रगट सिंह ये इल्जाम लगाते हैं कि मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल सेक्रेटरी, राजनीतिक सलाहकार, पॉलिटिकल एडवाइजर संदीप संधू का मुझे फोन आता है, मुझे धमकी देते हैं, लिस्टें बन गई हैं तो मैं ठोक देंगे, सजा भुगतने के लिए तैयार रहो, उसके बाद कहते हैं कि जैसे सिद्धू के खिलाफ विजिलेंस की फाइलें खिली तुम्हारे खिलेंगी, फिर प्रगट कहते हैं कि विजिलेंस का ऐसा अफसर लगाना जिसकी टांगे भार झेल सकती हो, अगले दिन फोन करके भी पूछते हैं हाँ भाई मेरा संदेश पहुंचा दिया कि नहीं कैप्टन तक, तो एकदम से एक अमृतसर से मोर्चा खुला था, एक जलंधर से मोर्चा खुल गया पूर्व हॉकी कप्तान की तरफ से, या ये कुछ ऐसा है कि सबने तय किया कि भाई एक एक करके करेंगे ताकि ये इशू हमेशा बर्नर पर दिखता रहे, बैक बर्नर पे ना जाए, कि पहले चन्नी कुछ बोलेंगे फिर सिद्धू बोलेंगे फिर प्रगट बोलेंगे फिर बाजवा बोलेंगे तो मोमेंटम बिल्ड होगा, क्या लग रहा है पप्पी साहब? इसमें कोई शक नहीं कि प्रगट सिंह सबसे क्लोजेस्ट है नवजोत सिद्धू के, पार्टली स्पोर्ट्समैन है, दोनों स्पोर्ट्समैन है, और इन दोनों का संबंध शुरू से ही रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं, और प्रगट सिंह का अपना व्यक्तित्व बड़ा इम्प्रेसिव है और अब बोर्ड भी हैं वो,
उनकी अपनी पॉपुलरिटी भी है, तो ये डेफिनेटली ये एक उसी का जो प्लानिंग का ही लग रहा है नतीजा कि एक के बाद एक थोड़ा ऐसे कहीं ना कहीं से गोले आने चाहिए। और प्रगट सिंह ने ये कहा कि मेरे को उन्होंने धमकी दी, और साथ में आज का उनका बयान है कि वो जो संधू है, जो उनके ओएसडी हैं, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े करीब दोस्त हैं और हम आपस में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन पिछली बार उन्होंने मुझे धमकी दी। उनका ये कहना, उनका बयान आया है कि मैंने कोई इसी तरह की धमकी नहीं दी, हाँ मेरा काम है मैसेज पहुंचाना, तो मैंने मैसेज पहुंचा दिया जो कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको कहना चाहते थे। उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि मैंने क्या मैसेज पहुंचाया, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने अमरिंदर सिंह, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा खपा हुए हैं नवजोत सिद्धू से, तो ये काफी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने कहा उसको कहने के लिए कहता उसको कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ही इज दैट काइंड, सो पॉसिबली हो सकता है उन्होंने इस तरह का मैसेज भिजवाया हो और उसने थोड़ा सा स्टर्नली बोला हो, क्योंकि प्रगट सिंह जनरली उनसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो बिल्कुल अपने अपने आप ही कोई स्टोरी बना लेंगे, कुछ ना कुछ तो इसमें बात डेफिनेटली है, और इसलिए मामला उसकी वजह से गरमाता जा रहा है, कुछ और भी हो रहा है। फिर उनकी कल परसों खबर, कल की खबर थी कि 5 मिनिस्टर्स हमारे साथ में, हमने हमने खाना खाया और उसमें 6-7 MLAs थे। झारखंड की पॉलिटिक्स यही है क्या कि पोस्ट कैप्टन अमरिंदर जो सिनेरियो बनेगा जब भी बनेगा, सो अमरिंदर से अगर सलाह मांगी जाए तो हमारा ही नाम है, क्योंकि वो एक समय वो दावेदार माने जाते थे, एक समय वो क्लेमेंट थे, और अभी जाखड़ जिस तरह से प्रो अमरिंदर लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं बाजवा और इन सब पर निशाना साधते हुए कि कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, इनसे सतर्क रहिए, वो मैं इस सवाल पे आप लोगों की राय चाहता हूं, और फिर मैं पंजाब के दूसरे पहलुओं पर जाऊंगा। पोस्ट कैप्टन दावेदार जो हैं, सिद्धू, बाजवा, जाखड़, मनीष तिवारी, रवनीत बिट्टू और भी कोई रीजनल में से आ सकता है, किसकी दावेदारी है? अभी कहना तो इस स्टेज पर मेरे को लग रहा है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दावेदार कम से कम 8-10 हैं और काफी स्ट्रॉन्ग है अपने आप में। जैसे आपने कहा कि जरूरी नहीं कि वो MLAs ही हों, जैसे मनीष तिवारी है फॉर इंस्टेंस, या और हैं लोग, तो वो भी इसके अंदर दावेदार बन सकते हैं क्योंकि उनकी भी पोलिटिकल एम्बिशन है। लेकिन जहां तक अभी तक मेरे को ये लग रहा है कि एटलीस्ट जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह सीन पर हैं, तो वो चाहेंगे कि उनका सक्सेसर ऐसा रेबल में ना हो, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि प्रताप बाजवा बन जाए या नवजोत सिद्धू बन जाए। हाँ, उन्होंने एक बार कहा था, मेरे को याद है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में कहा था कि जो सुनील झाकड़ हैं ये चीफ मिनिस्टरियल मटीरियल है, कैपेबिलिटी रखते हैं। कैपेबिलिटी रखते हैं, तो उन्होंने ये कहा, तो काफी इंडिकेशन थी कि मेरे पास ये। लेकिन दो चीजें उसके अंदर आ जाती, एक तो ये कि पंजाब में अभी तक तो कोई हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं बना, एटलीस्ट 1966 के बाद, और दूसरा ये है कि और बड़े दावेदार हैं जो कांग्रेस हाईकमांड के नजदीक हैं, जैसे मनीष है, मनीष तिवारी, तो वो मेरे को लग रहा है ज्यादा चांस है बजाय कि प्रताप सिंह बाजवा, जिसका जिसने रेबल तो किया है बड़े सालों के साथ, लेकिन उसकी भी प्रॉब्लम नवजोत सिद्धू जैसी है कि उसने भी कभी ग्रास रूट लेवल पर इतना काम नहीं किया, वो एक अपने एरिया में थोड़ा बहुत जाना जाता है उस एरिया में, लेकिन बाकी अगर एरिया में कहीं पर जाकर है तो मालवा वगैरह में या पटियाला या और इस जगह पे, उनका कहीं पर ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनका भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही सीमित है, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि आफ्टर अमरिंदर हु में आई थिंक पार्टी हाईकमांड तब स्टेप इन करेगी उस स्टेज पर, अभी जब तक कैप्टन अमरिंदर है तो उनको अपने आप को दूरी रखना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताइए आप दोनों लोग, ये और इसको ऐसे भदेस लहजे से कहा नहीं जाता है पर ये ललन टॉप है और नेता नगरी, इसलिए ऐसे ही कहा जाएगा, ये द कंपल्शन ऑफ बीइंग अ जट सिख टू क्लेम द टॉप पोस्ट, मुझे कई लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी की गरारी भी वहीं अटक गई, किसी ने सुच्चा सिंह का उदाहरण दिया कि देखो उनको उन्होंने पीछे किया कि एक आप फेस नहीं दे पाए, सिद्धू भी अपनी दावेदारी उसी में तलाशते हैं कि आपको सिख होना है और सिखों में भी सबसे डोमिनेंट कास्ट से होना है, क्योंकि काशीराम जी बसपा के थे, मतलब बसपा उन्होंने स्थापित की, पंजाब के थे होशियारपुर के, लेकिन जमीन उनको मिली यूपी में, पंजाब में कभी उतना बड़ा दलित मूवमेंट इकट्ठा नहीं हो पाया कि वो एक डिसाइसिव पॉलिटिकल फोर्स बन सके। मैं अभी पिछले दिनों लुधियाना में था, कुछ महीने पहले चर्चा हो रही थी, तो बोले, मैंने उनसे पूछा लोगों से और पत्रकारों से कि आम आदमी पार्टी कहाँ अटक गई थी पिछली बार, तो बोले अरे ये भी पंथक राजनीति करने लगे थे, तो जो हिंदू वोट था उनको लगा कि जब साहब आप जो पुराने अतिवादी हैं चरमपंथी उनके यहाँ जा जाके मिल रहे हो तो हम क्यों जाएं, क्योंकि उनको भी वो पुराना दौर याद है चरमपंथ का, तो वो कांग्रेस की तरफ स्विंग हो गए, वो भी एक व्याख्या थी। तो ये जो है कि एक जटसिक फेस और पंथिक राजनीति जो दोधारी तलवार है, जो कांग्रेस ने भी जिसका मजा चखा भिंडरा वाले ऑनवर्ड्स,
और उसके बाद अकाली तो करते ही वही राजनीति है, लेकिन अभी वो भी बेअदबी वाले मामले में बैकफुट पे हैं। अब सिद्धू वही पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी, तो ये दो चीजें जरा थोड़ा दर्शकों को बताएं। अगर कमलेश जी आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल ब्रीफली यही कहूंगा कि अब हरियाणा में हमने देखा है कि जाट ही मुख्यमंत्री होते थे, है ना, एक ये हो गया कि जाट ही हो सकते हैं अब, और मनोहर लाल को बनाकर बीजेपी ने एक पत्ता खेला ये सोचकर कि, पर उसका बीजेपी को फायदा नहीं हुआ है, उसका मैं समझता हूँ बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ है। और अभी तो जेजेपी के मिल जाने के बाद उनके पास एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर में जाट चेहरा है पंजाब में। अब शायद कोई नॉन सिख को, अभी मैं नहीं समझता कोई नॉन सिख चीफ मिनिस्टर हो सकता है, झारखंड में कोई नॉन आदिवासी हो सकता है, नॉन आदिवासी ऐसा नहीं है चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते या अच्छा काम नहीं करेंगे, बनाया था लेकिन 5 साल में, हाँ, तो एक उसका छत्तीसगढ़ एक ऐसा ऐसी जगह है जहां पे कि जो आदिवासी बहुल मतलब इलाका है, पर वहां एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर नहीं अभी नहीं है। पर यह ध्यान रखना कि कुछ राज्यों में ये आवश्यक सा हो जाता है। बिहार में मैं नहीं अभी इमेजिन कर सकता कि कोई मुख्यमंत्री होगा जो कि अगड़ी जातियों में से होगा, क्योंकि सबको लीडरशिप अब आफ्टर दी ओबीसी रेवोल्यूशन सबको लीडरशिप अब ओबीसी में ढूंढनी पड़ती है। मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी की गरारी जैसे फंसी थी वैसे ही, मतलब बीजेपी कर सकती थी बाय द वे, ये बीजेपी ऐसे रिस्क लेती है, पर बीजेपी के कोई चांस तो है नहीं, मतलब बीजेपी के बारे में अभी पंजाब के संदर्भ में चर्चा करना बेकार है। सुनील जाखड़ भाजपा में, मैं नाम नहीं लूंगा, भाजपा में ऐसे एक दो सीनियर लीडर हैं जो ये सोचते हैं कि तारे आसमान में ना भाग्य के सितारे कहीं फिट हो जाएंगे और मैं बन जाऊंगा, तो सुनील जाखड़ उसमें है कि वो, उनको लगता है कि जब ये सब सभी लोग रोटी के लिए झगड़ने लगेंगे तो शायद मैं बीच में रह जाऊंगा, जिस जो बन जाऊंगा वो किस्मत के सितारे वाले हैं। पर हकीकत यह है कि सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। अच्छा, तो एक चीज मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ पब्बी साहब, खासतौर पर आपसे, हमने कई अलग अलग राज्यों में देखा कि रीजनल एस्पिरेशन के साथ पार्टियां आती हैं और बढ़ती हैं। अकाली दल के लिए कहा जा सकता है कि जो पंथिक राजनीति करती है और क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं पर सिख हैं इसलिए, पर अदरवाइज कभी हमें कोई तीसरा मोर्चा जैसा दिखा नहीं, जबकि एक समय में कम्युनिस्ट मूवमेंट भी बड़ा स्ट्रांग था, उसके बाद इनके ही बादल साहब के जो भतीजे हैं उन्होंने अपनी पार्टी बनाने की कोशिश की, पीपीपी आम आदमी पार्टी भी गई वहां तीसरा मोर्चा बनने की, क्या अभी भी ये बाइपोलर ही रहेगा? या कि पंजाब में ऐसा रहा है शुरू से ही ऐसा रहा है कि बाइपोलर ही रहा है हमेशा, कांग्रेस वर्सेस अकाली, अकाली प्लस बीजेपी, ये हमेशा बाइपोलर रहा है और बहुत कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा एमर्ज नहीं हुआ नेता कि जो अपना रीजनल पार्टी अलग से बना सके। मनप्रीत बादल की आपने जैसे बात की, पीपीपी बनाई, लेकिन आज तक कुछ कोई जानता ही नहीं होंगे, बहुत ही लिमिटेड रीच थी, हालांकि वो भी एक वेल नोन लीडर थे, अकाली टाइम पर भी वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, बादल का नाम ही कुछ बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं कर सके। उस तरह से बहुत सारी और भी पार्टियां बनी, खासतौर पर ये एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे इन्होंने काफी पार्टीज बनाई, पर इनकी जो सपोर्ट है वो हमेशा ड्विंडल ही डाउन करती रही। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी का वन ऑफ द मेजर रीजन जो पिछली बार वो हार गए उसका यही था कि उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट का साथ ज्यादा दिया, जो अब नवजीत सिद्धू भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कमलेश जी ने बताया। लेकिन ये देखो कि हार्ड लाइनर्स के लिए जो सपोर्ट है ओवर द ईयर्स ड्विंडल ही करती रही, तो आम आदमी पार्टी ने भी पिछली बार कोशिश की कि इसी को मुद्दे को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग किया जाए, कि उन्होंने हेल्प वहां पर अमृतसर में जाकर मीटिंग्स भी की उनके साथ जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स वगैरह के साथ, वो आई थिंक उस टाइम उनको नुकसान हो, क्योंकि आम जनता पंजाब की नहीं चाहती कि कोई इस तरह के कम्युनल कलर आए या एक्सट्रीमिज्म वापस आए, अभी तक वो घाव भरे ही हैं, ज्यादा दूर देर की बात नहीं है जब यहाँ पर इतना ब्लड बात होता था, तो वो एक उनकी गलती थी कि वो स्ट्रेटेजी गलत थी कि वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो उनके साथ मिलने की कोशिश। हम बेदबी का मामला थोड़ा सा अलग है उससे, वो मिलिटेंसी की तरफ ज्यादा था, ये इनके अपने सिख रिलीजन के साथ ज्यादा रहता है, तो इसके बारे में तो डेफिनेटली रोष है लोगों में। और जब कि इतना क्लियर हो गया, 6 साल हो गए, 7 साल उस इंसिडेंट्स को हुए ऑलमोस्ट, या 6 साल 6.5 साल, हाँ, अब इतनी देर में आपको पता नहीं लग रहा किसने किया और क्या किया, अब SIT बदली है तो सडनली उन्हें 8-10 लोग गिरफ्तार कर लिए, उस टाइम मेरे को लग रहा है कि सबको ये मालूम था कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो डेरा था कि उनके लोग कर सकते थे, ताकि क्योंकि उन दिनों में वो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी वो फिल्म को लेकर, MSG और सारा कुछ, तो
तो उन दिनों में सबको लगता तो ये था, लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम पर कुछ नहीं किया, अकालियों ने कुछ ना कुछ नहीं किया। उसके बाद अमरिंदर आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और इतने सालों से तो अकाली का वन ऑफ द मेजर रीजन पिछली बार हारने का यही था कि उन्होंने जो सपोर्ट एमएसजी के लिए दी और सारा कुछ किया। लेकिन उसके बाद अमरिंदर सिंह को और नवजोत सिंह सिद्धू का उसमें एक पॉइंट डेफिनेटली कि आप 4 साल हो गए, 4.5 साल होने वाले हैं आपको सरकार बनाए, आप कह रहे थे कि ये मेरा टॉप प्रायोरिटी है और 4 साल के बाद भी कुछ नहीं कर पाया, तो वो एक ये डेफिनेटली मुद्दा तो है ही। और मेरे को जहां तक लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग, कि शायद अमरिंदर सिंह ने अभी ये संभाल कर रखा हुआ था काइंड ऑफ कार्ड कि मैं इसको लास्ट में प्ले करूंगा जस्ट इलेक्शन से पहले, तो तब इसको लेकर आएंगे, वरना कोई रीजन नहीं है कि आप 4-4.5 साल एक ही चीज पर बैठे रहे और आप पता नहीं लगा पाए कि दोषी कौन है। तो ये रीजन तो डेफिनेटली जी। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ये है कि आज ही जब हम नेता नगरी रिकॉर्ड कर रहे हैं शुक्रवार के दिन 21 मई को, तब तस्वीरें आई कि तरन तारण से कि किसानों का एक बड़ा जत्था यहाँ जो दिल्ली बॉर्डर पे प्रोटेस्ट उसमें शामिल होने आ रहा है। तो हम लगातार देख रहे हैं कि बीच में कुछ टाइम मोमेंटम शिफ्ट हुआ जब राकेश टिकैत की तरफ फोकस हुआ और वेस्टर्न यूपी हरियाणा के लोग और ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे, अदरवाइज लीडरशिप जो थी लार्जली पंजाब से थी, उन्होंने इसको हेड किया। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं एग्रीकल्चर बिल्स को लेकर 3 अलग अलग, ये पंजाब के विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा होंगे कांग्रेस वर्सेस अकाली के गेम में, या कांग्रेस वर्सेस अकाली वर्सेस आम आदमी पार्टी गेम में? कमलेश जी राइटली सेड कि बीजेपी तो अभी पिक्चर में है ही नहीं पंजाब में, ये कितना बड़ा मुद्दा होगा और किसको फायदा पहुंचाता दिखेगा अगर ये मुद्दा बनेगा तो? मेरे ख्याल से तो जो जनरल परसेप्शन है जो रूरल एरियाज में, जैसा आप सही करेंगे, बीच में एक थोड़ा गैप आ गया था और उसका वन ऑफ द मेजर रीजन था कि वो हार्वेस्टिंग सीजन था, एक तो उस वजह से भी था और दूसरा जिसे फेटिक कहते हैं, आप हम जानते हैं मीडिया फेटिक थी, टीवी में या कहीं पर भी इसके बारे में जिक्र होता ही नहीं था, इलेक्शंस पर ही सारा जोर लगा हुआ था, सारे वेस्ट बंगाल पर ही था मेनली, तो मीडिया फेटिक भी थी और डाइवर्शन भी था और लेकिन अब दोबारा वो आने लगे हैं। लेकिन जो गाँव गाँव में जो मेरे को पता लग रहा है कि गांव गांव में कमिटीज बनी हुई हैं, उनके डेज फिक्स्ड हैं कि किसने जाना है, कितने लोगों ने जाना है हर गांव से कितनी बारी, और अगर वो एक जिसने जाना है वो नहीं जा पाया तो अपनी जगह पर वो रिप्लेसमेंट भी देते हैं। तो ये एक डेफिनेटली गांव तक अंदर तक घुसी हुई है ये चीज, और जहां तक मेरा ख्याल है कि वो जो परसेप्शन बनी हुई है माइंड में लोगों के वो अगेंस्ट अकालीज है, क्योंकि उनके माइंड में ये घुसा हुआ है कि जी अकालीज के टाइम पर ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है, उस टाइम पर तो इन्होंने सारा कुछ कर दिया, बाद में ठीक है रिजाइन कर दिया। लेकिन जो मेरे को लग रहा है कि ज्यादा जो ब्लेम है इंस्टेड ऑफ कांग्रेस के, वो ज्यादा ब्लेम अकालीस को जा रहा है, और मतलब ये वो अकालीस एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हमें लोग वोट करेंगे क्योंकि हम रिजाइन कर गए कैबिनेट से, ये हमने उनके साथ नाता तोड़ दिया, मेरा ये कहना। इसमें कांग्रेस को भी बहुत फायदा नहीं होने वाला है। ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें कांग्रेस के लिए भी कुछ नेगेटिव्स हैं, अकाली के लिए तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बीजेपी के लिए तो सबसे ज्यादा नेगेटिव है, और अब समझाने में बहुत देर हो चुकी है। अब लोगों ने लगभग जो ग्रामीण इलाके हैं खास करके, उन्होंने लगभग ये तय कर ली है जिम्मेदारी किस किस की बनती है, तो उसमें अकालियों को भी वो शामिल कर रहे हैं इसमें। इन्होंने बिल्कुल सही बोला, मेरी भी जिन लोगों से बात हुई है वो नहीं मानते अकाली इससे बिल्कुल साफ है, इन्होंने तो त्याग कर दिया, वो मानने को तैयार नहीं। हालांकि अकालियों का अभी भी कुछ बेल्ट में प्रभाव है, कृषक बेल्ट है वो। इसमें फायदा अगर किसी को होता दिख रहा है साफ साफ, तो वो पार्टी है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और जो अभी बिखरी पड़ी है, पर अगर वो संभाले अपने आप को तो शायद उनको फायदा मिल सकता। हाँ, चूंकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जो दिल्ली के बॉर्डर पे जिस तरह की डिप्लोमेसी की है किसानों के साथ, वो उसका भी एक प्रभाव है। और दूसरा, आप जानते हैं कि किसान वाले आंदोलन में भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रिय तत्व हैं, तो उन सबको मिलाकर आपको ये देखना चाहिए कि इसका प्रभाव, इसका मतलब कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, पर इसका फायदा तो आम आदमी पार्टी को मिलेगा एक संगठन के तौर पर। देखिए, हम लोग अकाली दल का जिक्र कर ही रहे हैं तो ये सवाल भी आएगा ही जिक्र में कि सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल का भविष्य क्या है? उन्होंने पार्टी में तो स्थापित कर दिया बड़े बादल साहब ने, प्रकाश सिंह बादल ने, कि अब हमारे सपूत ही संभालेंगे, लेकिन क्या सुखबीर बादल की अपनी इतनी, क्योंकि जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है पंजाब की, सुखबीर बादल की बहुत अच्छी छवि नहीं है अक्रॉस द पंजाब की, साहब गरीबों के मसीहा हो या पंथक राजनीति हो, ऐसा वैसा, वो ही इज अ मैनेजर। बादल साहब के बेटे हैं,
बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़े बड़े इनसे ताल्लुकात हैं, पावर कॉरिडोर समझते हैं, हर जिले में उनके लोग हैं। पर हर जिले में लोग होना और हर जिले में आपका एक टारिंग फिगर की तरह होना कि आप जीत रहे हैं सब कुछ, भले ही वो पार्टी 10 साल से वो और विक्रमजीत सिंह मजीठिया चला रहे हैं, पर क्या सुखबीर बादल का इतना बड़ा कद है कि अकाली दल उनको सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करेगा? बीजेपी आपके अलायंस में है नहीं और वो एक दावेदार बन सकते हैं? मेरे ख्याल है कम से कम इस इलेक्शन में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो सीनियर बादल हैं। और दूसरा ये है कि उनका, आपने सही कहा कि ऐसी इमेज नहीं है कि वो अपने आप को, मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी, ऑर्गेनाइजर बड़े अच्छे हैं और बोलने में भी अच्छे हैं, बल्कि मैं तो कुछ यहां तक भी उनको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने कुछ अच्छे भी काम किए थे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा उनका अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, पर ओवरऑल जो है उनका इम्प्रेशन बहुत अच्छा नहीं है लोगों के बीच में। वो जो ज्यादातर जो अकालियों के साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं वो सीनियर बादल जी के वजह से जुड़े हुए हैं, ना कि सुखबीर बादल। तो इसलिए जब तक वो सीन पर हैं तो कायम है सारा कुछ, उसके बाद तो ऑलरेडी डिसेंशन तो शुरू हो गए हैं, कुछ जो युवा नेता भी अलग होने हो रहे हैं उनके साथ, तो वो उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अनलेस वो अपने आप को काफी ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस इलेक्शन में तो भूल जाए, लेकिन आगे के लिए अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो अलग बात। पिछली बार जब सीनियर बादल मुख्यमंत्री थे तो ध्यान रखिएगा कि पंजाब की जनता भी मानती थी कि मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ही हैं। तो उस समय जो विकास के काम हुए, काफी सारे हुए, उसका क्रेडिट भी सुखबीर बादल को ही जाता था। लोग कहते थे सुखबीर बादल ने ये बनाया वो बनाया, और जो एक तो थोड़ी परिवार की जो इमेज है वो प्रकाश सिंह बादल के रहते हुए ही मनप्रीत छोड़ गए थे। ये बहुत बड़ा कदम होगा उनके लिए, पर वो उनके रहते हुए छोड़ चुके थे। तो 2012 के पहले, हाँ, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रकाश सिंह बादल हैं तो किसी को भी सपोर्ट करने को तैयार है और सुखबीर के भी साथ हैं। उन कुछ लोगों के, इनके प्रकाश सिंह बादल अगर मुक्त हो जाते हैं राजनीति से पूरी तरह से, पिछली बार भी वो तो आखिरी बार कहकर के चुनाव लड़ते रहते हैं लोग कि इस बार मेरा आखिरी है, तो अगर वो पूरी तरह से राजनीति से मुक्त हो जाते हैं तो पता नहीं मुझे। पर पार्टी के रूप में बाय द वे एक बड़ा संगठन है उनके पास, और उनको राइट ऑफ आप नहीं कर सकते क्योंकि वो संगठन उनके पास है, शहर शहर गांव गांव में उनका संगठन है। 10 लोग खड़े हो जाएंगे उनके बुलाने पे कभी भी, तो उस दृष्टि से वह पंजाब में दूसरे ध्रुव तो बने रहेंगे अभी। चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगले 6-8 महीनों में पंजाब की पॉलिटिक्स में क्या होता है। कैप्टन अमरिंदर आला कमान के तमाम दबावों के बावजूद कैप्टन बने रहते हैं पंजाब के या नहीं, और चुनाव में कैसी परफॉर्मेंस होती है। आम आदमी पार्टी पिछली बार बड़ी दावेदार थी, हार गए तो अलग अलग नाम गिनाए जाने लगे, किसी ने कहा दुर्गेश पाठक की वजह से हारे, किसी ने कहा सुच्चा सिंह को इन्होंने साथ नहीं रखा, किसी को लगा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे, जल्दबाजी में हो गए कि साहब आधे इधर चले जाएंगे आधे उधर और फिर मैं ही सर्वसम्मत बन जाऊंगा नेता। तो पंजाब की राजनीति पर हमारी नजर बनी रहेगी। विपिन पब्बी जी, कमलेश सिंह जी, आप इस बातचीत में जुड़ रहे नेता नगरी में, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।